नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल होगी, उसे क्लिक करके आप पा सकते हो हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। होम्योपैथी दवा एक प्राकृतिक प्रणाली है जो कई चिकित्साओं और व्यक्तियों के लिए तेजी से औषधीय क्षेत्र बन रही है। इस प्रकार की औषधि प्रणाली स्वाभाविक रूप के पाए गए तत्वों की छोटी खुराक को प्रशासित करती है ताकि यह संतुलित प्रणाली तैयार की जा सके, जहां शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्तियां सामने आ सके। यह मूल रूप के शरीर को एक फिटर राज्य में ट्रिगर करने में मदद करती है। होम्योपैथिक दवाओं के एक मेजबानी है जो विभिन्न आम बीमारियों के इलाज में मदद करती है। कुछ दवाइयों में निम्नलिखित शामिल है। एलियम सेपा, यह मूल रूप से प्याज से विपन्न होता है, जो जब रोगी खास के बुखार से पीड़ित होता है तो वह मदद कर सकता है, जो उसे लगातार चलने वाली नाक से छोड़ सकता है। यह आंसू निकलाव को सुखाने के लिए जाना जाता है, जो रोगी की आंखों और नाक की बात आती है जब लगातार तरल पदार्थ बढ़ती है। अनिरका, यह दुर्बल पर्वत तेजी का एक निकास भी है जो विभिन्न प्रकार की चाटों और आघाटों को ठीक करने में मदद करती है। जो खेल और अन्य प्रकार के शारीरिक गतिविधियों या यहाँ तक कि दुर्घटनाओं के कारण पैदा हुए जो सकते हैं, इस दवा के नियमित रूप के साथ दर्द और दर्द का प्रभावी ढंग के इलाज किया जा सकता है। कैमोमिलो, यह मूल रूप से कैमोमाइल का एक विकास है। जब कई समस्याओं से निपटने की बात आती है तो यह विभिन्न आयु के रोगियों की मदद करता है। यह उन लोगों के लिए बेहद नींद को प्रेरित करने में मदद कर सकता है जो नींद के झटके से पीड़ित है। यह खुद का लगातार रात में जागते हैं और सोने के लिए वापस जाने की समक्ष नहीं होते हैं। यह उन शिशुओं की भी मदद कर सकता है जो शाम को परेशान हो जाती है, जो लोग पेटी और गैस के अन्य रूपों से पीड़ित है। इग्नाटिया, यह दवा का उपयोग दुख, चिंता, आतंक और ऐसे अन्य मनोवैज्ञानिक मुद्दों जैसे समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है जो रोगी को असहाय महसूस करते हैं। जब उपचार के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह अवसाद को प्रभावी ढंग से इलाज में भी मदद कर सकता है। रक्सटॉक्स, यह दवा जहर आईवी क्रीपर से लगी हुई है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पाई जाती है। फ्लू से ढीले गति और यहाँ तक कि कब्ज से यह दवा कई मुद्रों को ठीक करने में मदद कर सकती है, जो एक रोगी को दिन आधार पर सामना कर पड़ता है। इसके अलावा यह उन मरीजों के लिए अच्छा है जो गठिया से पीड़ित है, क्योंकि यह दर्द को आसान बनाने में मदद कर सकता है ताकि रोगियों के अन्य बेहतर गतिशीलता हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।